12 नवंबर 2021 जुमा के रोज़ जो मालेगांव बंद की अपील की गई ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा और रज़ा एकेडमी की तरफ से, जिसमें शहर के तमामी मकतबे फ़िक्र के लोग, तमामी सियासी पार्टियां शामिल थीं। बंद मुकम्मल तौर से कामयाब था, लेकिन जुमा बाद 3 बजे के बाद शहर में जो हालात पैदा हुए और उस हालात के बाद जो कुछ वाक़या हुआ इस शहर में तशद्दुद का, जिस पर पुलिस ने जो 5 FIR दर्ज की, जिसमें से 3 सिटी पुलिस स्टेशन हैं और 2 आयशा नगर पुलिस स्टेशन हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक या मेरी जो जानकारी है, मेरा जो तजुर्बा है, चूँकि मेन मुकर्री जो मेन आरोपी बताए गए हैं FIR में, रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा के ज़िम्मेदारान जो मुंतज़मीन हैं और उनके साथ कुछ सपोर्टर लोग का नाम लिया गया है, कानूनी तौर से जब तक मेन आरोपी नहीं पकड़ा जाता या जिन लोगों को कानूनी तौर से मेन आरोपी या गुनहगार बताया गया है FIR में, वो लोग जब तक हाजिर नहीं होते तो जो पिछले 50 लोग गिरफ्तार हुए उनकी ज़मानत के लिए दुश्वारी आ रही है। मैं शहर ताज़िया कमेटी की तरफ से अदारे इब्राहिम और मौला अली एकेडमी, ये जो तीनों तंजीमें हैं, जो अदारे हैं सुन्नी मसलक के, इनकी तरफ से मैं अब इस मामले में आगे आ रहा हूँ और हम लोगों ने सब आपस में बैठ के मशवरा किया, मीटिंग की है कि जो गरीब लोग पकड़े गए हैं उसमें तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी नौजवान हैं जो घर का एक फ़र्द कमाने वाला है और वही जेल चला गया, अब उनके परिवार को, उनके बीवी बच्चों को, उनके माँ बाप को कौन संभालेगा? कोई मजहबी तंजीम या कोई सियासी पार्टी इसके लिए आगे नहीं आ रही है। हर सियासी पार्टी और जो लोग आगे आते हैं तो वो वकला की ही बात होती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक मेन लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो उनकी ज़मानत के रास्ता हमवार नहीं हो सकता। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो लोग फरार हैं कानून की नज़र में, वो सारे के सारे इकट्ठा होकर अपने आप को पुलिस के सुपुर्द करें। अगर उनको कहीं से कोई डर खौफ होगा कि पुलिस उनके साथ ज़्यादती करेगी या ऐसा सलूक करेगी जो आदि मुजरिमों के साथ किया जाता है, तो हम उनकी कानूनी मदद करने के लिए सबसे आगे रहेंगे। और अगर उनको ये भी लगता होगा कि हमारे साथ कोई पुलिस स्टेशन चले, तो सबसे आगे हम रहेंगे उनके, हम उनको साथ लेके पुलिस के हवाले करेंगे, उनकी पूरी कानूनी मदद करेंगे। और कानूनी मदद तो ये होगी कि जमानत ही नहीं, केस ख़त्म करने होने तक हम उनकी कानूनी मदद करते रहेंगे। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब जो कुछ हो रहा है, जो मफरूर मुल्ज़मीन हैं, ये पता नहीं क्या वजह है या इनको क्या डर खौफ है, ये पुलिस के हवाले नहीं हो रहे हैं, पुलिस के ताबे में नहीं जा रहे हैं। मैं फिर इनसे गुजारिश करता हूँ, हालांकि मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये मुंतज़मीन जो हैं रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा, इन्होंने पूरे शहर में घूमकर हर तंजीमों को, हर मसलक की, हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को दावत दी। 12 नवंबर के बंद के ताल्लुक से हम लोगों को इन लोगों ने कोई दावत नहीं दी थी। उसके बाद भी जहां पर कौम और मिल्लत की बात है, हम कौम और मिल्लत के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हर वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं जो कौम के लिए मुफीद होगी, फ़ायदेमंद होगी। मैं अदारे इब्राहिम, शहर ताज़िया कमेटी और मौला अली एकेडमी के तमामी ज़िम्मेदारान की तरफ से पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा नर्म गोशा इख्तियार करें, क्योंकि मैं ये समझता हूं आप लोगों पर जो दबाव है मराठी अखबारात का, कि उसमें जो बार बार लिखा जाता है कि रज़ा एकेडमी के मौलवियों को गिरफ़्तार आज तक नहीं किया जा सका, ये प्रेशर जो पुलिस के ऊपर है, मैं पुलिस से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी नर्म गोशा इख्तियार करें अगर इन लोगों की खुद सुपुर्दगी की बात होती होगी तो। और हम ये चाहेंगे कि इस शहर में जिस तरह अमन 12 नवंबर को कायम हुआ बाद में तशद्दुद के मामूली वाक़े के बाद, ये अमन शांति कायम रहे, इसके लिए मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा और मिल्ली तंजीमों के जितने भी शहर में ज़िम्मेदारान हैं, हर मकतबे फ़िक्र के लोगों से, मैं कुछ दिनों से हैरान हूँ, परेशान हूँ कि मालेगांव नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को तकलीफ़ की कानूनी दुश्वारी आती थी तो जमीतुल उलमा हिंद ये सबसे पहले आगे आती थी। क्या वजह है कि मालेगांव शहर में
यह जमीयत जो है सरगर्म क्यों नहीं हो रही है इस मसले में। मैं जमीयतुल उलमा हिंद के दोनों जमीयत से यही गुजारिश करूंगा उनके जिम्मेदारान से कि अगर उनको कोई दुश्वारी है, कोई मसलकी बात हो, तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। हम कोई मसलकी बात नहीं करेंगे, हम कौम व मिल्लत की बात करेंगे, और जहां मिल्ली मसाइल होंगे हम सब साथ रहेंगे। अजमीन जो आज फरार हैं, इन्हें कोई डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है, इनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूरा शहर पुलिस भी देखी है कि इन्होंने कोई पत्थर नहीं चलाया। हाँ, कानून के दायरे में आ गए हैं ये लोग, और मैं तो देख रहा हूँ पुलिस का नर्म गोशा कि मेरी मालूमात के मुताबिक शायद एक या दो दफ़ा जितने मफरूर मुलजमीन हैं उनके मकानात तक पुलिस गई, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद 20-25 दिन से किसी भी मुलजिम के घर पुलिस नहीं गई। इनको कोई डर और खौफ की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने जो नर्म गोशा इख्तियार किया है और पुलिस की तरफ से जो कॉपरेट है, हमने देखा मुस्तकिम डिग्निटी को उसने अपने आप को गिरफ्तारी दी, उसके बाद पुलिस का रूल हमने सब देखा, तो हम ये समझते हैं कि पुलिस भी इसमें नर्म गोशा रखे हुए है। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग आएँ, पुलिस के हवाले अपने आप को करें। मालेगांव शहर की तमामी सियासी पार्टियों, मिल्ली तंजीमों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने अपने बिसात के मुताबिक अपने अपने तौर से मफरूर मुलजमीन के लिए उनको शहर लाने के लिए कोशिश करें, उनसे बात करें। हो सकता है मफरूर मुलजमीन हमसे रابطہ ना करें, लेकिन अगर दूसरी किसी भी तंजीम से रابطے में अगर होते होंगे तो आप लोग भी उनसे गुजारिश करिए कि मालेगांव आएँ, पुलिस के हवाले अपने आप को करें, और जितना भी हो सकेगा तमाम तंजीमें, तमाम अदारे, तमाम पार्टियां मिलकर तमामी मुलजमीन के लिए, जो कैद हैं उनके लिए भी और जो अभी फरार हैं इनके लिए, कानूनी इमदाद, कानूनी मदद के लिए हर हाल में आगे रहेगी। मुलजमीन के जो अकरबा और जो रिश्तेदार परेशान हैं उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग, चूँकि जो मुलजिम बनाए गए हैं, जो नौजवान जिनको नामों से रिसालत ही नहीं मालूम क्या है, ऐसे लोग जो मुलजिम बनाए गए हैं, जो आज कैद में हैं नासिक सेंट्रल जेल में, ऐसे लोगों के परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और मैं शहर की तमामी मिल्ली तंजीमों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे अफराद के वहां जाकर उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनकी ढारस बंधाई जाए। अगर उनको कोई माली ताउन की ज़रूरत पड़े उसके लिए वे कौम मिल्लत आगे आए, और जितने भी शहर में ऐसे लोग हैं जो कौम के लिए आगे आते हैं सरमाया लगाने के लिए, अच्छे कामों में, नेक कामों में, कानूनी कामों में, तो उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे गरीब जो लोग बंद हैं जेल में उनका परिवार को संभालने की वो जिम्मेदारी लें। मैं मानता हूँ, जो मुझको समझता है, कि मालेगांव के जो वकला है दिल और दिमाग से, ईमानदारी से तो लगे हैं, लेकिन कानूनी जो बात होती है कि आज हिंदुस्तान में और में पूरी जगह कहीं ना कहीं फिरका परस्ती का एक नुकता भी है। मेरी ये सोच है, मेरी ये समझ है कि मुस्लिम वकला के साथ अगर कुछ गैर मुस्लिम वकला भी खड़े कर दिए जाएं, तो इसमें बहुत कुछ अपने को आसूदगी मिलेगी। होता यह है कि सारे मुस्लिम वकला खड़े होने से, मुस्लिम लोगों के लिए काम करने से कहीं ना कहीं तासुब भी दिखेगा, मुस्लिम फिरका परस्ती भी दिखेगी, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम वकला से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने मालेगांव शहर में मिल्लत की जहाँ बात आई तो उन्होंने अपने आप को भी आगे किया, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, मुफ्त में वो काम कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इनकी ज़मानत का ऑर्डर हुआ भी अगर कोर्ट से, तो आगे चल के सबसे बड़ा मसला यह आएगा सालवेंसी का, क्योंकि जो गुने हैं 307 395 इसमें कोर्ट सालवेंसी मांगती है। ये सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त उस वक्त रहेगा गरीब लोगों के लिए कि एक सालवेंसी को 20-25 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। अगर इतनी बड़ी रकम लगी, अगर 10 हज़ार भी अगर एक सालवेंसी को लाया आया, तो कई मुलजमीन को कई गुना में लाया गया है दोनों पुलिस स्टेशन में, तो उनके ऊपर कई सालवेंसी लग सकती है। ऐसी सूरत में इनकी मदद करना पैसे की, वो बहुत बड़ा मसला रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ अगर सालवेंसी तैयार नहीं हुई वक्त पर, तो इनको और लंबा दिन जेल में रहना पड़ेगा। और उस वक्त जब हम ये सालवेंसी की बात आएगी, तो हम उस वक्त ये देखेंगे कि शहर के संजीदा नामवर लोग क्या करते हैं, उसके लिए मुखय्यर हजरात को आगे आना होगा,
और मैं उस वक्त मुखैर हजरात से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि जब सालवंसी की बात आए तो आप लोग मेहरबानी करके कौम मिल्लत के गरीब नौजवानों की मदद करें। हमें हमारे अदारों की तरफ से तमाम ही मुखैर हजरात से गुजारिश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे हम जाकर। होता यह है कि किसी भी तंजीम जब खड़ी होती है मदद के लिए तो कुछ लोगों के एतराज़ात भी आते हैं, लेकिन नेक काम करने में, अच्छे काम करने में दुख आता है, उसको झेलना पड़ेगा। कुछ मुलज़मीन के घर खाने को आज भी नहीं है तकलीफ। मैंने कहा अभी अपनी बात में कि कई मुलज़मीन ऐसे हैं जिनके वहाँ कमाने वाला एक ही लड़का था और वो जेल चला गया। ऐसे परिवार को आज संभालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुखैर हजरात से मेरी गुजारिश है, शहर के जो जिम्मेदारान हैं मिल्ली तंजीमें उनसे गुजारिश है कि जिन परिवारों के यहाँ आज ये दुशारी है माली तौर से घर चलाने के लिए, खाने के लिए, इनकी ये तकलीफ़ दूर की जाए। और मैं खुद अपने तौर से जो ऐसे हजरात होंगे उनकी मदद के लिए, हम तीनों तंजीमों की तरफ से उनकी मदद करने के लिए आगे आऊँगा। मालेगांव शहर के मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, MLA की हैसियत से भी, जमीयतुल उलमा के सदर की हैसियत से भी, जामा मस्जिद के एक इमाम की हैसियत से भी, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम की हैसियत से भी, और शहर के एक बड़े मुफ्ती की हैसियत से भी उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मगर मुझे दिख रहा है और जो महसूस कर रहा हूँ, क्या वजह है कि मुफ्ती साहब दूर दूर हैं इस मामले में। उनको तो ये चाहिए था कि इस मामले में सबसे आगे रहते, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर चुन के आए हैं, मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर ये चुन के आए हैं और आज मुसलमानों पे ही मुसीबत ये आई है, तो इनको तो सबसे आगे आना चाहिए था। मगर अफसोस कि ये बहुत दूर हैं इस मामले से। मैंने अपनी बात में कहा कि जमीयतुल उलमा हमेशा हर मामले में आगे आती थी, आज क्या वजह क्यों खामोश है। हमेशा मैंने देखा है हिंदुस्तान भर में कि कहीं ब्लास्ट भी हुआ, कोई दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा भी गया मुसलमान, तो जमीयतुल उलमा उनकी कानूनी मदद के लिए आगे आई। मगर क्या वजह है कि मालेगांव शहर में आज तक कोई वकला की टीम इन्होंने खड़ी नहीं की। खाली पेपर में छपा है एक दफ़ा शामनामे में कि जमीयतुल उलमा ने एक टीम बनाई नियाज लोधी वकील साहब की क़यादत में, दो तीन वकीलों का नाम आया, लेकिन आज तक इनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ मुलजमीन की तरफ से, जमीयत की तरफ से। तो होना तो ये चाहिए था कि मुफ्ती इस्माइल खुद आते आगे, उनकी जमीयत आती। मैं देख रहा हूँ शेख आसिफ को कि आज कोई जिम्मेदारी नहीं होते हुए भी वो खुद भी कोर्ट में हाजिर होता है, अपने लोगों को करीब 4-5 लोगों को उसने लगाया भी है हर तारीख पे हाजिर होना, लोगों को जो भी दुश्वारी है तकलीफ है उसको पूरा करना। अब कोर्ट कचहरी में कागजात के नाम पर, टिकट के नाम पर अगर कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो वो भी पूरी कर रहा है। नासिक से मालेगांव, मालेगांव से नासिक के लिए अगर कुछ अखराजात आते हैं आने जाने में, वो भी आसिफ कर रहा है, जबकि वो आज शहर का MLA नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आसिफ की जो मेहनत है और जो लगन है, इससे तो ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे मसलक की बात। तो मुफ्ती साहब से मेरी यही गुजारिश है कि मसलक की बात अगर होगी भी अपने जहन में, तो इस बात को आप ख्याल रखना कि अहले सुन्नत वल जमात के हज़ारों लोगों ने तुमको वोट दिया है और तुम्हारे स्टेज से कुछ सरकर्दा अफराद अहले सुन्नत वल जमात के तुम्हारे स्टेज से तकरीरें की हैं, तुम्हारे लिए वोट मांगा है, तो आप सिर्फ एक मसलक से MLA नहीं बने हो, अहले सुन्नत के जमात के लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं आपको MLA बनाने में। तो आप लोग, या आप से मेरी यही गुजारिश है कि आप इसमें मसलक की बात ना समझते हुए जमीयतुल उलमा के थ्रू खुद MLA की हैसियत से नुमाइंदगी करें। मुझे तो आज ये बड़ा दुख हुआ अखबार में देखने के बाद कि सेशन चालू है, इजलास चालू है, मालेगांव में आज सबसे अहम मुद्दा था 12 नवंबर का वाकया, मगर उन्होंने उस पर नहीं बोला, उन्होंने पावर बिजली बोर्ड के बारे में बोला है जो कलकत्ता की कंपनी है उसके बारे में, बिल्कुल बोलना चाहिए था, मैं उससे भी इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन जो शहर का सुलगता सबसे बड़ा मसला है जिसपे कौम परेशान है, उस मामले में इनको सबसे पहले वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए था। मैंने कई फसादात देखे हैं इस शहर में और नियाल साहब को नुमाइंदे के करते भी देखा है। नियाल साहब कभी अपनी ज़िंदगी में जेल जाने से डरे नहीं,
और मैं ऐसा समझता हूँ कि लीडरशिप की बुनियाद पर इमरजेंसी के नाम पर निहाल साहब ने जो 1.5 साल जेल काटा, मालेगांव का किसी लीडर ने आज तक इतनी लंबी जेल नहीं काटा है। तो निहाल साहब अगर होते ना तो शायद ये सब बात भी नहीं आती। आज 55 लोग जो गिरफ्तार हैं, मैं 55 के मैं समझता हूँ अगर होते तो 5 ही की बात होती। ये हिकमत चलते निहाल साहब, वो बराबर पुलिस से और हुकूमत से हिकमत अमली से टकराने की बात करते और अपना दबदबा रखते हुए कानून में रह कर वो ऐसा काम करते कि पुलिस को मजबूर करते कि वो 50 की जगह 5 ही को आरोपी बनाए। मगर आज हम देख रहे हैं इस शहर में कोई लीडर का कोई दबदबा रचा नहीं है। और मैंने राष्ट्रवादी की स्टेज से कहा था ATD हाईस्कूल में कि हमको इस शहर में दबदबा कायम करवाना है, इंस्पेक्टर राज ख़त्म हो, इसके लिए हमको कोशिश करना है। शेख आसिम ने कोशिश शुरू की, कई ऑफिसों में गए, इंस्पेक्टर राज ख़त्म करने की बात की, मगर ये 12 नंबर का जो वाक्या आया उससे वो शेख आसिफ भी अभी खामोश बैठ गए। मैं मुफ्ती इस्माइल से यही गुजारिश करूँगा कि बहसियत MLA और आपने तो हरे झंडे के नाम पे आए हैं, हरे झंडे के बैनर तले तुम चुन के आए हैं मुस्लिम के नाम पर, और मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते ना तो वैसा ऐलान कर दो, इंशाअल्लाह हम आपसे अच्छी नुमाइंदगी करके बताएंगे और बताएंगे कैसे होता है और कैसे किया जाता है। मुल्ज़मीन से मैं यही चाहूँगा, फिर आखिर में गुजारिश करूँगा कि आप लोग आए मालेगांव शहर में, और अगर डायरेक्ट पुलिस में नहीं जाना चाहते आप जिसको भी अपना अच्छा आदमी समझते होंगे, जिस तंजीम को अच्छा समझते होंगे अपनी तुम्हारी अपनी नज़र में, वहाँ आए, वहाँ शहर भर के लोगों को बुलाएं, हमको बुलाएं, हम भी वहाँ हाजिर होंगे और वहाँ पर मशवरा करके एक साथ पुलिस में जाके अपने आप को तो आप लोग सरेंडर कराइए। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ।